नमस्कार, मैं हूँ सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उत्तम दवे और गे सेक्स समस्या वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्मेग्मा की। अगर आपने अपने लिंग का खतना नहीं करवाया है तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो अग्र चरम है उसके अंदर भाग में एक सफ़ेद सा, जिसमें से एक दुर्गंध आती है और एक चीज़ सा सफ़ेद पदार्थ जमा हो जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में हम लोग स्मेग्मा कहते हैं। ये हर एक पुरुष जिसने खतना नहीं करवाया है वो इसके बारे में उसकी जानकारी बिल्कुल रहती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये जो स्मेग्मा है वो बनता कैसे है और उसके अंदर क्या चीज़ें होती है। तो स्मेग्मा के अंदर सबसे पहले तो स्टेल यूरिन होती है, यानी कि सड़ी हुई मूत्र होती है। फिर उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर यीस्ट होते हैं और कुछ स्किन के सेल्स होते हैं जो जड़े हुए होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये चारों चीज़ों जो है वो बिल्कुल ही नकारात्मक है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या किसी बॉटम पुरुष को किसी टॉप पुरुष के लिंग का स्मेग्मा चाटना चाहिए या नहीं। तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर सड़ी हुई मूत्र, बैक्टीरिया, यीस्ट और डिस्कार्डेड स्किन सेल्स होते हैं, जो कि सारे के सारे नकारात्मक पदार्थ है। इसलिए कभी भी अगर कोई टॉप आपको अपने स्मेग्मा को चाटने के लिए आपको निवेदन करे या फोर्स करे तो उसे कभी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में बस सिर्फ इतना है।